तो फाइनली मैं 8 घंटे की फ़्लाइट के बाद पहुंच चुका हूं मॉन्ट्रियल कनाडा। तो ये बाहर से इसका व्यू है मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट का, आधा फ्रेंच में लिख रखा है आधा इंग्लिश में लिख रखा है, गाड़ियों पे बॉन्जोर लिख रखा है। ये यहाँ की टैक्सीज है, फ्रेंच में लिखा हुआ है सब कुछ। ये है मेरा नेबरहुड और बारिश हो रही है बहुत तेज। जस्ट मैं पहुंचा हूँ, ये रहा मेरा सामान, बाहर से दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो ऐसा दिखता है घर, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ऊपर वाला फ्लोर है। बारिश हो रही है, ये मेरे घर का नंबर है, ये है सारा। अब अंदर जाता हूँ मैं, ये मेरे घर का नंबर है, ये है सारा। अब अंदर जाता हूँ मैं। ये है मॉर्निंग व्यू, अभी सुबह के 4 बजे हैं एंड आई एम गोइंग फॉर अ जॉग। और थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर करता हूँ मैं आसपास का। यहाँ पे 3.5 किलोमीटर पे एक जिम भी है, वो 24 आवर्स खुला रहता है, तो वहाँ पे जाके आता हूँ। मर गए ठंड, मर गए ठंड। पांच डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, 5 डिग्री। मैंने ये ऊबर ईट से क्या खाना मंगाया डिलीवरी, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। अभी मैं अपने घर से निकल गया हूँ और जिम जा रहा हूँ, मेरे घर के कोई 1.5-2 किलोमीटर के आसपास ही है। अभी देखो सनराइज हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं और ऐसे वॉकिंग ट्रेल बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। तो मैंने सोचा आसपास देख भी लूँगा। तो ये देखो मेरे को है ना ऑरेंज ऑरेंज पेड़ दिख रहा है यहाँ पे, येलो ऑरेंज इस टाइप के, काफी सुंदर लग रहा है यार ये व्यू। जो ये क्यूबेक प्रोविंस है ना जिसमें मॉन्ट्रियल आता है, ये एक्चुअली यूएस का जो स्टेट है वर्मोंट उसके जस्ट ऊपर है। तो वर्मोंट भी बहुत सुंदर है और ये क्यूबेक भी बहुत सुंदर है। तो ये देखो आप कितने सुंदर लग रहे हैं पेड़। एक्चुअली फॉल सीजन है ना तो पेड़ के कलर चेंज हो गए, और यहाँ सब फ्रेंच में लिखा हुआ है। ये एक बोर्ड था अभी, ये भी फ्रेंच में लिखा हुआ है। बसेस के ऊपर भी सारे जगह फ्रेंच में लिखा हुआ है, जहाँ भी देखा मैंने अभी तक सारे साइन बोर्ड सब कुछ। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है इस क्यूबेक प्रोविंस की, बाकी सब में हाइब्रिड लिखा हुआ है। ये जो एड है ये भी फ्रेंच में लिखा हुआ है। देखो सब हर जगह ही वो मिलेगा आपको फ्रेंच में लिखा हुआ, इंग्लिश का तो कुछ है ही नहीं लेना देना। ऑफिशियल लैंग्वेज भी यहाँ की फ्रेंच ही है, तो ऐसे तो काम चल जाएगा। मुझे तो अभी तक इतनी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश बोलते ही हैं लोग। ये पेड़ों का कलर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये देखो कैसा मिक्स सा कलर है, हल्का सा रेड येलो ऑरेंज हर टाइप का कलर है इसके अंदर, खतरनाक ही पेड़ लग रहा है यार ये तो। ये अभी फॉल सीजन चल रहा है ना अक्टूबर का, तो सनलाइट इन पे आती नहीं है, सनलाइट कम हो जाती है तो ग्रीन से इस कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं ये सारे पेड़।
चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पे, कलरफुल पेड़ है सारे, कुछ कुछ ग्रीन भी हैं, बाकी सब ऐसे ही हो रखा है। देखो पत्ते बहुत बड़े हैं यहाँ पे, और ये जो लीव्स है ना इनकी एक्चुअली शेप देखो, ये एक्चुअली आपको ना कनाडा के फ्लैग पे भी ऐसी लीव मिलेगी रेड कलर की। तो जो ये इन्होंने अपना एम्बलम बनाया है ना फ्लैग पे, वो इस लीव को लेके बनाया है। हो सकता है स्पेशल टाइप की लीव हो, ये कनाडा में मिलती हो इसलिए इन्होंने लगाया होगा। देखो वही शेप है जो कनाडा के झंडे पे आपको दिखेगी, इस टाइप की रेड कलर की लीव, लग रही है ना सुंदर, शाइन मार रही है। देखो सारे पेड़ ऑरेंज पड़े हैं, पत्ते रेड पड़े हैं, सुबह का व्यू है। ये कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो गया यहाँ पे, मतलब मेरा जिम वाला एरिया, यहाँ पे सारे बने हुए हैं खाने पीने के रेस्टोरेंट, मैकडी, केएफसी, जिम, और ये शॉपिंग करने के लिए एक सुपर सी करके एक मार्ट है इधर, वो भी है जैसे वॉलमार्ट वगैरह होता है ना वैसे, एक सुपर सी भी है। ये बर्ड अजीब लग रही है यार, अजीब तो नहीं मतलब सुंदर लग रही है, थोड़ी डिफरेंट टाइप की। और ये देखो ऐसा सा व्यू है कॉम्प्लेक्स का, सब कुछ फ्रेंच पे लिख रखा है, क्या समझ आया यार, क्या समझ आया यार, बच्चों का कोई होगा स्कूल वगैरह फन जो हम सब यार। मुझे कॉफ़ी पीनी थी, देखता हूँ कॉफ़ी कहाँ मिलती है, सबवे में कॉफ़ी मिलती है क्या, आई डोंट थिंक सो। ये यहाँ पे कोई सोसाइटी टाइप की बनी हुई है तो अच्छी लगी मुझे, मैंने सोचा शूट कर लेता हूँ इसको। ये ऐसे घर बने हुए हैं यहाँ पे, ये भी फ्रेंच में लिखा हुआ है, कोई हाउसिंग सोसाइटी होगी ये। देखो मस्त बना रखे, देखो अभी लिया है मैंने खाने पीने का, और अभी ना मैं क्रॉस कर रहा था ये सड़क यहाँ से, तो ये मेरे को ना ब्रिज टाइप का, मैं दिखाता हूँ आपको इसका। तो ये छोटा सा ब्रिज है और ये नीचे रिवर है, देखो इस रिवर की खास चीज दिखाता हूँ, इसका पानी है ना इतना क्लियर है, देखो नीचे से सी थ्रू पानी है, नीचे की घास वो सब कुछ दिख रहा है ना अमेजिंग। उसकी खास बात ये है, यही अगर इंडिया में होता ना इसका नाला बना देते लोग, और इतना गंदा बांस मार रहा होता है ये, नाक पे हाथ रख के आपको क्रॉस करना पड़ता है ब्रिज। और यहाँ पे इंसान ने एक मतलब कुछ रत्ती भर भी कुछ नहीं डाला हो, सिर्फ छोटे छोटे पत्ते पड़े हुए नेचुरल है, बाकी देखो आप पानी नीचे से दिख रहा है इतना क्लियर पानी। कितने सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा है व्यू, देखो साइड भी एक ब्रिज है उधर, ये ऐसे क्रॉस हो रहा है। इस साइड मेरा जिम था, वहां पे मैंने कुछ सामान वगैरह खरीदा घर का, और अब जा रहा हूँ।